लास्ट का कार्य जय श्री राम, जय भागवत प्रताप। अभी आप सामने देख सकते हैं दरबार हॉल। दरबार हॉल के पास में सभी श्रद्धालु बैठ चुके हैं और पूज्य सरकार की एंट्री भी हो चुकी है। तो आप लोग देख सकते हैं देव उठनी 11 के दिन शक्तियां मिली पूज्य सरकार को, तो उनके बारे में कुछ कहना चाहेंगे और उनकी तरफ से भंडारा वगैरह कुछ अलग से चलेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं, सिद्धियाँ कैसे मिली, शक्तियाँ उन्हें कैसे प्राप्त हुई देव उठनी 11 के दिन, और सन्यास जी मामा ने खुद जो उनको प्रकट होकर शक्तियाँ दी उनके बारे में कुछ बोल रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, तो लास्ट में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे ही देंगे। तो साथ साथ में आप लोग देख लीजिए भीड़ का दृश्य, रात के करीब 1 बज रहा है और देख लीजिए 1 बजे का दृश्य, सभी श्रद्धालु ठंडे में भी बैठे हुए हैं। हमारे गांव में तो अनपढ़ अंगूठा दिखाते हैं, इधर तो पढ़े लिखे दिखाते हैं। इतना ही अंतर है देश में और विदेश में। यार भैया ने कहा दियो भाई ने भैया अच्छे साधु को ग्रहण। अभी हम बीच में भग गए थे, पांच पूछो कहाँ गए, कहाँ गए थे बताओ। फिलीपींस वीडियो बना ले मैं यार थोड़ा भैया यार ऐसे हो जाओ ना। फिलीपींस समुद्र के किनारे है देश, वहाँ बनाने का वीडियो बढ़िया नहीं आएगा, बना लो। अच्छा कल मिले, आज आज रात बहुत हो गई, कल मिले। हाँ बैठो बैठो बैठो, कल मिले। नहीं आ रहा है क्लियर आएगा, आप चिंता ना करो, पर्चा बने ना बने हम आपका उठाए करते कवच देते, ठीक है। वो लड़का आया था ये कूद के, उसका क्या हुआ, लिंक पार करके आया था गया वो है बनेगा। हिंदू राष्ट्र का कार्य नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं, नाम भूल जाए। अनुपम जी अपना घर बार छोड़ करके हिंदू राष्ट्र का काम उसी मिशन में लगे हैं, जगह जगह कैंपर खोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र का काम। धन्यवाद अनुपम जी को भी, अब दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, हम सब माता है माता। अच्छा हाँ तो पूरी वह सूचना सुनो, बीच में तुम्हारा फोन दे दिया तो कल दिन में दरबार ठीक है, परसों हम एक जगह तक जाएंगे, बताएंगे नहीं कहाँ जाएंगे, आके बताएंगे। तो तुम लोग पहुंच जाते और भीड़ हो जाती है, तो कल हम दिन में दरबार लगाएंगे और शाम को गुरुदेव की सेवा कर लेंगे और फिर तुम लोग भी सो जाना भंडारा खाके और हम पूजा करके निकल जाएंगे और जल्दी जल्दी वहाँ का काम निपटा के एक महात्मा जी की आज्ञा है तो संत जी के पास जाना है और आ जाएंगे। जितने बजे भी आएंगे पर हम 5-6 बजे तक आएंगे, तो आके हम दरबार ही लगाएंगे, भले ही थके रहेंगे आके फिर दरबार लगाएंगे और 25 तारीख को पूरी दिन भगवती का वितरण किया जाएगा। हम संशोधन तो नहीं करना है ऐसा, ठीक है। और 19 तारीख से 26 तारीख तक, 27 तारीख तक हम यही हैं। आगे से अब बीच में नहीं बोला तो आगे से हम 15-15 दिन तक रहेंगे। आप सब प्रेम पूर्वक रहो, गंभीर मरीज रोगियों को लाना नहीं है, अभी कुछ मरीज हैं तो हम उनको फ्री कर देंगे, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सामूहिक अर्जी लगा के हम भी सोए जा रहे हैं, तुम भी जाकर सो जाओ, ठंड बहुत है। तो दरबार हॉल हम खुलवा देंगे कुछ देर बाद, दरबार हॉल में देख जाना बस और मुस्कुराते रहो, प्रसाद खाओ, नियम का पालन शुरू करो। क्या कर दो, क्या है नियम,
लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद महीने में एक बार, दो महीने में एक बार, मंगल या शनिवार की पेशी और ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप, जाओ बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से तुम झोली भर कर लेकर जाओगे। हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बागेश्वर धाम, हे बालाजी, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो। हे बालाजी, हे बालाजी, आजीवन पर्यंत, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके धाम से, आपके दरबार से, आपके दरबार से हम जुड़े रहे, जुड़े रहे, हम आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। मनी मन प्रणाम कर लो बालाजी को, सन्यासी बाबा को, और बोलिए बागेश्वराय, बागेश्वराय नमः, नमः। ओम हम, हम हनुमते, हनुमते नमः, नमः। ओम सन्यासी, सन्यासी देवाय, देवाय नमः, नमः। कुछ पास जो सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी का दिया हुआ थे साचू को आए, जिनके पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, श्री सन्यासी बाबा ने कहा था कि जो भी सामूहिक अर्जी लगाएंगे, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देंगे, महीने में एक बार, दो महीने में एक बार पेशी करना प्रारंभ करेंगे, तो श्री बालाजी के वचन दिए हुए हैं कि अगर आप नियम का पालन करेंगे, रोग में, बाधा में, पीड़ा में आराम लगने लगेगा, काम सफल होने लगेंगे और बागेश्वर बालाजी की सेना पहुंच जाएगी और अर्जी भी स्वीकार हो जाएगी। आप लोग जो भी प्रश्न लेकर बैठे ओम, ओम, ओ हे बालाजी, हे बालाजी, सन्यासी बाबा, हमारी हमारी यह अर्जी अर्जी स्वीकार करो, स्वीकार करो, हम पर अपनी अपनी कृपा करो, आपकी जय हो, आपकी जय, आपकी जय, आपकी जय, आपकी जय। गाने हाथ की मुट्ठी का सात बार उतार और बालाजी के चरणों से कृपा छोड़ दी। दोनों हाथों को ओम बागेश्वर, ओम बागेश्वर, एक और बात सामग्री अपना मोबाइल, दूसरी बात अपना नाम, अपनी समस्या आपको किसी को नहीं शेयर करनी है ना बतानी है, ताकि तुम्हारे मन में कोई खोट न आए। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, हम आपके, आपका नाम तो ठीक है, आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुलाकर अर्जी लगा दी जाएगी। कलयुग में यही हनुमान जी की लीला का सक्षम प्रभाव है और आप लोग नियम करो और 1 मार्च से 8 मार्च तक कन्या बुलाए हैं धाम पर, 151 बेटियों सबका न्योता है, हमारा निमंत्रण स्वीकार का। तुम्हारा सोया सुबह जल्दी जल्दी आओ, ठीक है, मरीज देख के हम जाए। जय श्री राम।